अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ और बताऊंगी कि आप लोगों को होममेड अगर कुछ बनाना है, किसी को प्रेजेंट देना है, चॉकलेट बनाने हैं, कुकीज़ बिस्किट बनाने हैं, केक किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। आज तो मैं नान खटाई पे प्रेजेंट करूंगी। किसी को मुझे प्रेजेंट करना है और उसमें मुझे रैप करना है। मैंने कैसे रैप करना है, नान खटाई की रेसिपी आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ। हमने इसको डाल दिया खूबसूरत से प्यारे से बॉल में, जो कि बिस्किट ख़त्म भी हो जाएंगे लेकिन याद रहेगी इस प्रेजेंट की। उसको हमने जो है ना फिल्म फिल्म चला देनी है, क्योंकि वो उस बिस्किट्स आपको खस्ता रखने हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए कि बिल्कुल वो ऐसे रैप पहले हो ताकि उनकी खस्तगी ना जाए, वो बिल्कुल खस्ता रहें। ये रैपिंग मैंने इसकी कर दी, अब ये रहेंगे खस्ता। ये स्टार वाले खूबसूरत से बॉल को मैंने अब रख दिया क्लियर पेपर के ऊपर, जो क्लियर पेपर आपको कहीं भी गिफ्ट शॉप से मिल जाएगा। ले लिया है, उसको रख दिया है। अब हम इसको इस तरह से सिर्फ नाप के देखेंगे, हमें थोड़ा सा इसको खूबसूरत सा रैप करना है यहाँ तक, ठीक है? अब हम इसको काट लेंगे यहाँ से। अब हमने इसको साइज करके काट लिया है। बिल्कुल देखें, आसान है। किसी को भी तोहफा देना हो आपको, केक बना के दे दें, चॉकलेट्स बना के दे दें, बस थोड़ी सी सजावट करके दे दें। वैसे भी तोहफे देना सुन्नत है, तो उसको अगर आप और इतनी सी ज़्यादा खूबसूरती दे देंगे तो लेने वाले को भी बहुत ही खुशी होगी और अच्छा भी लगेगा, खूबसूरत भी लगेगा। अब इसको हमने पकड़ के सबको ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोने पकड़ के सबको ये हमने इसको ऐसे देखिए कितना आसान है, यहां से होल्ड करके ठीक। अब हम रिबन देखेंगे, हमें इसके साथ गोल्डन रिबन चाहिए, ये वाली या सिल्वर, उस हिसाब से फिर हम इसको रिबन के साथ यहाँ से टाई करके पहले बांधेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। हमने तय किया हम इसके ऊपर सिल्वर पेपर चढ़ाएंगे, सिल्वर रिबन चढ़ाएंगे। तो रिबन से पहले हमने एक रिबन काट के उसको यहाँ पे टाई अप कर दिया, इसको इस तरह टाइट करने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे ये इस हिस्से को हम लोग इस तरह थोड़ा खोल के थोड़ी सी और खूबसूरती इसमें ले आएंगे, ठीक? ये तो हो गया ये। अब हमने ये जो रिबन थे ये 4 से 5 एक ही साइज के हमने काट के रख दिए, एक साइज के काट के रख दिए। अब हम इनको भी यहाँ से साथ ही साथ सबको साथ लेके टाई कर देंगे। जो हमें फ्रंट चाहिए उसका, उसके हिसाब से हम इसको इस तरह से, अब हमने इसको कर दिया टाई, ठीक है? अब यहाँ पे हमने ये जो जितनी सारी रिबन्स थी काफी राउंड हो गई हैं, कुछ नीचे से नीचे जा रही है। अब इसको और सर्कल बनाने के लिए हम उल्टा लेंगे और इसको ऐसे खींच के इसको नीचे से सर्कल बना देंगे ताकि और वो खूबसूरत लगे ज़्यादा, ठीक? सबको आपने कर दिया। परफेक्ट। अब ये जो हमारी बो फ्लावर बो थी इसको हम लगा देंगे। ये देखें, हम इसके ऊपर जो बो थी फ्रंट पे लगा दी हमने, उसको थोड़ा प्रेस करें, ठीक? अब ये हो गई है बिल्कुल तैयार। हाँ जी, देखिए हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया तोहफा नान खटाई का किसी को देने के लिए। ये मैंने अपनी एक प्यारी सी अपाजान के लिए बनाया, उनको प्रेजेंट करने के लिए, उनको बहुत पसंद है। तो आप कोई भी और चीज़ बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, मैंने पहले कहा था चॉकलेट बना सकते हैं, खजूरें डाल सकते हैं, किसी तरह की भी चीज़। इतना आसान है इसको रैप करना, लेकिन अगर इस तरह देंगे तो आपको भी खुशी होगी और कोई जब ले रहा होगा उसको भी बहुत खुशी होगी। अब देखिए बनाएं इसको, अगर किसी को इस तरह से तोहफा देना चाहते हों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद करें,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप इसके बाद अपने किचन में आपको इंशाल्लाह अपनी किसी रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।